नमस्कार आदाब, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं समीर खान। आइए देखते हैं आप सबके मुख्य समाचार। घर घर तक पहुंचेगी पिछड़ों की विकास योजनाएं। मंत्रियों के सम्मान समारोह में बोले सीएम मुंबई। पट्टे पर मिली जमीन खरीद सकती हैं संस्थाएं। मार्केट मूल्य के आधार पर भूमि खरीदने का विकल्प। राजस्व मंत्री आर अशोक ने दी यह जानकारी। कर्नाटक सीएम मुंबई ने BMRCL को दूसरे चरण के मेट्रिक कार्यों को 2024 तक पूरा करने का दिया निर्देश। कर्नाटक KSRTC दशहरा और दीपावली के दौरान 1000 अतिरिक्त बसों का करेगी संचालन। बेंगलुरु एक ट्रांसपोर्ट फार्म के गोदाम में हुआ धमाका, 3 की हुई मौत और कई घायल। कर्नाटक में छोटे बच्चों के लिए फिर से खुल जाए स्कूल, अभिभावकों ने कही ये बात। हरियाणा बीजेपी नेता ने अपने ही भाई को लाठी डंडों से पीटा, पुलिस ने किया गिरफ्तार फिर जमानत पर छोड़ा। हरियाणा किसान आंदोलन के साथ भीड़ जोड़ने का प्रयास, सिकरी बॉर्डर पर कबड्डी लीग का आयोजन। इंसानियत की मिसाल बनी सुषमा और सुल्ताना, एक दूसरे के पति के लिए दान की किडनी। जज उत्तम आनंद मौत मामले का जल्द खुलासा ना होना न्याय व्यवस्था के लिए ठीक नहीं, हाईकोर्ट की टिप्पणी। रांची हटिया डैम में खतरनाक स्तर तक पहुंचा जल स्तर, कुछ दिन और बारिश हुई तो टूट सकता है फाटक। एशियाई और कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतने वाला बॉक्सर कर रहा है सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी, बच्चे छोड़ चुके हैं पढ़ाई। एयर पॉल्यूशन, WHO ने AQI गाइडलाइंस में किया संशोधन, दिल्ली समेत कई शहरों की बड़ी टेंशन। जयपुर 5 लाख रुपए लेकर डॉलर के नाम पर व्यापारी को थमाया थैला, खोला तो उड़ गए होश, जब अमरदीप ने थैला खोला तो उसमें डॉलर की जगह निकले कचरा। थाईलैंड से मूर्ति लाया था शख्स, शुल्क देने से किया मना, हाईकोर्ट बोली नीलामी से पता लगाएं कीमत। 365 दिनों में 150 करोड़ की ड्रग्स बरामद, NCB मुंबई ने जारी किया आंकड़ा। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के लिए चुना गया हिमाचल का अनुज चौधरी, बचपन का सपना हुआ पूरा। हिमाचल में हिट एंड रन, बाइक को टक्कर मारने के बाद सवारों को रौंदा, 3 युवा पुलिसकर्मियों की मौत। IPL 2021 धवन का धमाल जारी, राहुल को पीछे छोड़ ऑरेंज कैप पर फिर से जमाया कब्जा। इंदौर में बनेगा ब्रॉड गेज मेट्रो, नागपुर का फार्मूला अपनाएगी शिवराज सरकार। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने की अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से बात, अमेरिका लौटेंगे फ्रांस के राजदूत। ऑस्ट्रेलिया में लॉकडाउन के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग, सरकार बोली टीका लगवाने पर ही मिलेगा काम। भारतीय मीडिया कंपनियों और पुलिस पर चीन का साइबर अटैक, 261% बड़े केस। संयुक्त राष्ट्र महासभा, सऊदी अरब को उम्मीद, ईरान के साथ जल्द सामान्य होंगे रिश्ते। वाशिंगटन कोविड के गंभीर लक्षणों से डिलीरियम बीमारी का खतरा, दिमाग हो सकता है खराब, स्टडी। KP एक्सप्रेस में आज इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें KP News 24/7। धन्यवाद।